भी आपके देखे सर, और काफी कुछ मतलब कि उस देखने के बाद जो है बहुत कुछ चेंजेस मतलब कि लगा कि मतलब जो आप बताते हैं बहुत कुछ मैच करता है, तो इसी रास्ते पे आगे निकला हूँ सर, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल, चलिए देखिए बिल्कुल पहुँचेंगे। और जो मेरा काम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, मेरा काम मतलब एग्जिस्टेंशियल वर्क दैट इज़ हैपनिंग थ्रू दिस बॉडी माइंड। मेरा काम जैसा तो कुछ होता है नहीं दुनिया में, अस्तित्व ऐसा चाहता है तो ऐसा हो रहा है। अध्यात्म के नाम पर भी तमाम तरह का जो उलझाव पैदा हो गया है उसको क्लियर करना। तो जितनी भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सारी स्पिरिचुअल जो चीज़ें चलती रही हैं उनको रिडिफाइन करने की हैं। उनमें एक बार जैसे झाड़ू लगाने की चीज़ है वो वाला काम है, और नए सिरे से चीज़ों को समझाने की, समझने की ज़रूरत है। चीज़ें खूबसूरत थी लेकिन इतनी गड्ढमड्ढ हो चुकी हैं कि उनका कोई परिणाम नहीं है। और आप लोग जो यंग लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही होप हैं इस देश की भी, इस संसार की भी, कि जब सारे जो युवा लोग हैं उनमें वो चेतना आए और वो बातों को समझें तो उनके अपने जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, और एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन आएगा। और आने वाले वक्त में देखिए, धर्मों की जगह नहीं है, संप्रदायों की जगह नहीं है, ये सब खत्म हो चुकी हैं, वो अपना काम पूरा करके एक्सपायर हो चुकी हैं। लेकिन एक्सपायर दवा तो हम फेंक देते हैं क्योंकि उसमें तो डेट लिखी होती है, पता होता है कि भाई दवा एक्सपायर हो गई, नुकसान करेगी। लेकिन तमाम तरह की परंपराओं, तमाम तरह के धर्मों में एक्सपायरी डेट पता नहीं कब की जा चुकी है, लेकिन कोई फेंकने की हिम्मत नहीं करता, कैसे फेंके। और मेरा काम यह है कि दो काम हो सकते थे कि आप एकदम से उसको कहें कि फेंक दो, लेकिन मैं उसको रिडिफाइन कर दे रहा हूँ। यानी बात वही है, शब्द वही हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल फ़र्क है, वो चीज़ बिल्कुल फ़र्क है। और किसी चीज़ से भी अटकने की बात नहीं है, अगर कोई अटकेगा तो बात समझ नहीं पाएगा। मैंने तो यहाँ सबको यही, जो भी लोग आते रहे हैं, जुड़े रहे हैं, हमेशा कहा है कि मेरी बात से भी मत अटको, समझो, सोचो, विचार करो, वही चीज़ रोशनी लाएगी, वही चीज़ जीवन में आगे बढ़ाएगी और हमको हमारी तमाम चीज़ों से आगे ले जाने का मार्ग खोलेगी, वो बहुत ज़रूरी है।